किरण जी का प्रश्न है जयपुर से कि अशुद्ध अवस्था में हम तिलक लगा सकते हैं या नहीं। जय श्री राधे। आप अवश्य ही तिलक लगा सकते हैं, बल्कि अशुद्ध अवस्था में अवश्य लगाएं। यदि आप तिलक लगा लेंगे तो आप शायद कुछ शुद्ध हो जाएंगे, और आप नाम भी कर सकते हैं, मंत्र नहीं कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम उच्चारण, तिलक, स्नान आदि सब कर सकते हैं, और सामान्य ग्रंथ जो मेरे द्वारा या जीवों द्वारा लिखे हुए हैं उनका पाठ भी कर सकते हैं। वैदिक ग्रंथों को, श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते। तिलक तो बेधड़क लगा सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई।